बिग बॉस सीजन 13 में धमाकेदार बनाने के लिए मेकर्स हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स के घर में एंट्री होने पर शो में डबल ड्रामा और एंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा है। शहनाज की दुश्मन हिमांशु खुराना की एंट्री होते ही घर में ऐसा धमाका हुआ जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। दरअसल हिमांशु और शहनाज एक दूसरे के जानी दुश्मन। शो में हिमांशु को देखकर शहनाज काफी ज्यादा परेशान और बिग बॉस से नाराज दिखाई दी। हालांकि शहनाज ने हिमांशु को वेलकम करने की कोशिश की थी, लेकिन हिमांशु ने उन्हें इग्नोर कर दिया। वहीं जब बिग बॉस ने कंटेस्टेंट से ऐसे सदस्य का नाम लेने के लिए कहा जिसे घर से देखकर वो खुश नहीं है, तो शहनाज ने हिमांशु का ही नाम लिया, जबकि हिमांशु ने अरहान का नाम लिया। हालांकि इसके बाद शहनाज ने हिमांशु की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन हिमांशु ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। हिमांशु ने कहा कि उनकी मां ने उन्हें कसम दी है कि वो शहनाज से कभी बात नहीं करेंगी। लेकिन बाद में हिमांशु कैमरे में देख कर ही कहती है कि वो शहनाज को तभी माफ करेंगी जब वो नेशनल टेलीविजन पर उनके पेरेंट्स से माफी मांगेगी। अब शो में आगे का क्या दिलचस्प होने वाला है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि शहनाज और हिमांशु के बीच नफरत कब खत्म होगी या फिर नफरत बरकरार रहेगी। वहीं शहनाज हिमांशु के पेरेंट्स से माफी मांगती या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इन दोनों के बीच एक लंबा विवाद था। शहनाज ने हिमांशु और उनके माँ के बारे में काफी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिसके बाद इन दोनों के बीच लंबा विवाद हो गया था। हालांकि दोनों ही एक अच्छी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं और दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में माहिर मानी जाती हैं। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।